हे गाइस वेलकम बैक। सो दोस्तों मैं हूँ लिटिल सिंह हमारा। आपको तो पता है गाइस आजकल ड्यूटी ना उल्टा सीधा हो रहा है। सो दोस्तों छोटे छोटे घर में झगड़ा हो रहा है यार। मेरे को भेज दे रहे ऑफिस वाले, बोल रहे हैं झगड़ा सॉल्व करके आओ। भाई किसी की बाल्टी चोरी हो चुकी है भाई, उसके लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा क्या? कसम से यार कितने अजीब हो चुके आजकल के पुलिस स्टेशन। अबे यार ये कौन है दो बंदा? अरे दोस्त इसको तो मैंने देखा देखा लगता है, ये कीखो और इसके साथ एक लड़की। अबे यार ये लड़की तो डक्कन बॉस की भतीजी है, मतलब डक्कन बॉस इसका चाचू होता है। भाई ये क्या कर रहा है कीको इसके साथ? अबे लगता है कुछ तो गड़बड़े। अरे पंटर आज मैं अपन तेरे बाप को बता ही दूंगा, मैं तेरे शादी करूंगा रे पंटर। अरे भाई क्या शादी, शादी क्या घुमा के बैठा है यार। अरे दोस्त इन सब की बात सुन दे, क्या चल रहा है इन सब का बात? ओए पंटर यार रुक जा, 2 मिनट रुक जा रे मेरी सुतरीली बम। ओए मैं तेरे बाप से आज बात करूंगा, तेरे से मैं शादी करके ही छोड़ूंगा। ओए पंटर ये बात तो सुन जा यार। अरे मुझे तुमसे बात नहीं करना, मैंने तुमको बार बार बोला है मेरे पापा से बात करो, लेकिन तुम मेरे पापा से बात नहीं करते, तुम डरपोक हो। ओए पंटर तू हमको डरपोक काहे को बोली? अपन देख आज तेरे बाप से बात करेंगे, बोलेंगे तेरा लड़की का हाथ मेरे हाथ में डाल दे यार। अब तेरा लड़की बहुत खुश रहेंगे, हम भी बहुत खुश रहेंगे, तू भी बहुत खुश रहेगा। अरे तुम्हें ऐसे बोलने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो, आप सच बोलो। अरे पंटर आज कसम से बोल ही दूंगा, तेरे घर पे आ जाएंगे, जाने के बाद तेरे चाचा जो डक्कन है ना उससे बात करेंगे। नहीं तुम मेरे पापा से बात करो। अबे यार क्या बोलना चाहते हैं ये सब लोग, किससे बात करो? और ये कीको क्या शादी करने वाला है मेरे को बिना बताए? अबे यार मैं तो इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से पहले शादी करेगा, और ऊपर से भाई ये कौन सी लड़की के साथ शादी करने वाला है? डक्कन बॉस की भतीजी के साथ? अबे यार मैं तो ये नहीं होने सकता भाई। वो लड़की नहीं भाई, बहुत बड़ा एकदम सुतीली बम है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाली लड़की है ये। अरे गाइस मैं ना ये पास सारा बात कीको सिवा को बताता हूँ, सिवा को कॉल करके सब कुछ बताता हूँ। कीको गया काम से, उसका पीछा करे, जहाँ पे भी जाए उसका पीछा करे। अरे यार मैं उसको कॉल लगाता हूँ फटाफट। सो दोस्तों मैंने उसको कॉल लगा दिया, फिलहाल के लिए उससे बात नहीं हुआ। अरे ठीक है पंटर मैं समझ गया, 2 मिनट रुक मैं तेरे बाप से मिल के आता हूँ। भाई तेरे बाप ने कहा सोच लिया तो मेरे से शादी नहीं देगा पंटर, अभी देख मैं कैसे बात करके आता हूँ, चल यहाँ से। ओए कीको यहाँ पे तू क्या कर रहा है? अरे लिटिल सिंघम भैया पंटर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया? अरे मैं ना यहाँ पे थोड़ा शॉपकीपर पे थोड़ा कुछ खरीदने के लिए आया था, लेकिन तू यहाँ पे उस लड़की के साथ बात कर रहा था क्या? मेरे को ऐसे ही लगा। अरे पंटर आपने कुछ गलत देखा होगा, मैं लड़की से बात तौबा मैं कभी बात नहीं करता लड़की से। आपने लगता है कुछ खराब देखा है लिटिल सिंघम भैया, अभी ना मेरे तरह काम में चलता हूँ लिटिल सिंघम भैया। हाँ ध्यान से बाइक चलाना। हाँ पंटर वही अभी फंस जाता यार, लिटिल सिंघम को पता चला मैं कोई लड़की से बात कर रहा हूँ तो मेरा तो डाके ढाई कर देगा। और लिटिल सिंघम तो ही बहुत ज्यादा डेंजर वाला बंदा। चले दोस्त अभी ना मुझे डगन बॉस के भाई से बात करना पड़ेगा, वो है मक्कन बॉस, वो बहुत डेंजर है भैया, उससे बातचीत करके मैं उस लड़की को अपने हाथ में डाल दूंगा, मतलब हम दोनों शादी करेंगे उसका बाप मान लिया तो। लेकिन मक्कन बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके पास है बहुत बड़ा सिक्योरिटी और वो बहुत गुस्से वाला बंदा, भाई मार ना डाले हमको, वही बहुत डरने वाली बात है। लेकिन भाई आज तो बोल के रहूंगा, भाई उसने हाँ बोल दिया तो हम आज ही आज शादी कर लेंगे पंटर। ही ही ही, अरे मजा आ जाएगा शादी के बाद। पंटर रे ये रहा रिच होटल भाई, इतना देखो रिच मैंने बहुत बहुत अमीर है मक्कन बॉस, भाई कहाँ से इतना पैसा कमाता है क्या पता भाई, कितना पैसा कहाँ से आ जाता है इसका, लगता है भाई काला कड़वा रे, मतलब कुछ तो गड़बड़ करता है बंदा मक्कन बॉस। अरे छोड़ो यार मक्कन से छोड़ो भाई, देखो यहाँ पे 6-7 सिक्योरिटी तो ऐसे ही है, नहीं तो मार ही डालेंगे अपन। ओए पंटर तेरा बॉस कहाँ पे रे मक्कन? उससे मुझे बात करना है। रोए कहाँ पे तेरा बॉस? ओए सर अभी यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, वहाँ से आ जाते सब, चुपचाप यहाँ से निकलो, फटी चढ़ कहीं के, ये क्या सब पहन के मेरे बॉस से मिलने आए हो? अरे पंटर ज्यादा मुंह मत लगा, वो रहा बॉस, ज्यादा हीड़ा गिड़ी। ओ मक्कन बॉस कहाँ चल रहा है भैया? अरे कुछ कहना है आपसे, आज सब हीरो लग रहे हो, एकदम स्वीट हार्ट है, आपको पप्पी देने का मन कर रहा है, इतना हैंडसम कैसे हो मक्कन बॉस आप? कौन है रे मुन्ना, यहाँ पे क्या चाहिए तेरे को? हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है तू? अरे मक्कन बॉस एक बात बताना है। अरे क्या बात बताना है? तू मेरे घर पे डायरेक्ट आ गया, किससे पूछा नहीं, परमिशन नहीं, भाई मेरे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। अब मक्कन बॉस घर तो इतना बढ़िया बना लिया, दिल भी थोड़ा बढ़िया बना लो। मैं ना आपके लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या? चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, आयो कीको मेरे पापा से बात कर रहा होगा। अरे यार क्या होगा क्या पता, मेरे पापा ना बहुत गुस्से वाले बंदे हैं, मानता हूँ बहुत अमीर है, लेकिन मेरे पापा इतने गुस्से वाले बंदा है, कीको को मानना डाले यही मेरे को डर लगता है। चलो यार चलता हूँ। ओए लड़की
बोल कीको के साथ तेरा क्या रिश्ता है और तू कौन है, तेरे पापा का नाम कौन है भाई, चुपचाप सारा कुछ बता दे नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। अरे आप कौन हो? मैं कीको का बड़ा भाई हूँ। अरे अरे भैया माफ कर देना, अरे मैं ना कीको एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने कीको को बताया आज मेरे पापा से बात करो नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, इसलिए मैंने कीको को मेरे घर पे मेरे पापा से बात करने के लिए भेजा है। मेरे पापा का नाम है मंगन बॉस, वो दुनिया का सबसे बड़ा डकू है, वो हर बंदे से पैसा छीन के मारते उनको बहुत ज्यादा। अबे यार तू किस मुँह से उसको भेजा है, तेरे को पता नहीं तेरे बाप माँ क्या है, और ये बात सुनेगा तू उसे शादी करना चाहता है तो कसम से उसको मार ही डालेगा। अरे कितनी घिसी पिटी लड़की है भाई, तेरा भाई दिमाग घुटने पे चलता है क्या? अरे शिवा शिवा भाई उसको फटाफट बोल रखा था भाई बंदा कहाँ पे, अरे शिवा फटाफट मंगन बॉस के पास जा भाई, आज तो कीको बहुत खतरे पे यार, वो कहाँ से कैसे ये काम कर लेता यार उसको पता नहीं। अरे दोस्तों मैं हूँ शिवा, सबका हीरो सबका चहीता लिटिल सिंघम ने कॉल किया। अरे क्या हुआ लिटिल सिंघम भैया? अरे क्या बोल रही हो मंगन बॉस, ये कौन है? अरे भाई कीको उसके लड़की से भाई क्या चुम्मी चुम्मी कर रहा है, अभी उसको नहीं छोड़ेंगे अपनी दिखाई का। अरे यार मेरे को लगता है वही का मंगन बॉस जो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक डाकू है। अरे यार मंगन बॉस उससे काहे का इतना टकरा ले यार कीको? अरे यार एक दुनिया में कितनी सारी लड़की है लेकिन वो कीको का बच्चा उस माफिया के लड़की को ही फंसाए थे। अरे अब क्या होगा रे दोस्तों, भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं अपने हयापुसा लेके जाऊँगा अभी मंगन बॉस के पास और उससे पूछूंगा भाई कीको कहाँ पे, आई होप कीको से ही सलामत हो नहीं तो भाई अब तक उसको तो ढोकी देखा होगा। भाई क्या चल रहा है आज के दिन, भाई कसम से ये कीको का बच्चा आशिक ही करने गया, अब तो भाई जिंदा लौटेगा क्या मुर्दा मेरे को तो पता नहीं, अभी मेरे कुछ तो करना पड़ेगा। लिटिल सिंघम ने मेरे को हुक्म किया कीको को सही सलामत यहाँ पे लेके आना पड़ेगा जो भी हो जाए। चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट, यार हटो मेरे सामने से भाई, ये तो ज्यादा स्पीड हो गया रे, चलो चलो हटो हटो मकान पास, मैं आ रहा हूँ तेरे पास कीको को बचाने के लिए, हटो हटो। अरे यार दोस्तों कहाँ पे चला गया मक्कन बॉस? अरे ये रहा मक्कन बॉस, अरे एक मिनट इतना सारा खून यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? अरे यार मेरे को बच्चा समझने का गलती मत करना, अरे यहाँ पे गन भी है, अरे यहाँ पे भी गन है वहाँ पे भी गन है, अबे यार इतने सारे गन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार तुम क्या चटा मक्कन बॉस? अरे तुम कौन है? अरे मैं ना उस बंदे का छोटा भाई हूँ उस कीको का। अरे ऐसी बात है छोटा भाई हो, आपका बड़ा भाई तो घूमने चला गया। अरे क्या बोल रहे हो आप, लगता है कुछ तो गड़बड़े, लिटिल सिंघम भैया इन सब का बात सुन के लगता है इसने कीको को मार डाला, आप फटाफट यहाँ पे आइए लिटिल सिंघम भैया, कुछ तो गड़बड़े कीको को लगता है इसने मार डाला, मेरे कैसे लगता है लिटिल सिंघम भैया वो ऐसे डरा रहा है मेरे को। क्या क्या बोल रहे, कीको को मार डाला? अबे यार भाई ये पागल लड़की, देख तेरे वजह से कीको को क्या हुआ। अरे यार अब क्या होगा, अब चुपचाप कार में बैठ, अभी मैं कार चलाता हूँ, अब जाएंगे तेरे बाप के पास, तेरा बाप ना दुनिया का सबसे घटिया इंसान है भाई, उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं सूझता। हाँ मैं अभी जानता हूँ मेरे पापा बहुत ही घटिया है लेकिन मेरे पापा दिल के अच्छे हैं। भाई भाड़ में जाए तेरे पापा का दिल, भाई ये कौन सा दिल है, एक लड़के को मार डालने की कोशिश कर रहा है ये बंदा, भाई कीको तो भाई 15 साल का लड़का। अरे लेकिन वो तो मेरे से प्यार जो करता है। अरे प्यार करने से उसका हाइट और एज तो नहीं बढ़ जाता, वो तो है ही बच्चा ना। अबे यार तूने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, तेरे को पता नहीं तेरे बाप कितने बड़े माफिया है, फिर भी तूने भेजा कीको को तेरे बाप के पास, अभी कुछ हो गया ना मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, इतना जोर से तेरे को रैप तो मारूंगा ना। अरे यार जोर से चलाओ, मेरे को भी डर लग रहा है यार जोर से चलाओ। अरे यार क्या सोच कर तुम दोनों ने प्यार किया था भाई, मेरे को पता नहीं भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो आम इंसान को ठोकते हुए जा रहा हूँ, जो भी हो फटाफट पहुँचना पड़ेगा, और तेरा कार का हालत तो बहुत खराब हो रहा है यार। अरे बाढ़ में जाएगा मेरा ऐसा कर 10 खरीद सकता हूँ। अबे 10 खरीद सकता है? अरे तेरे बाप मगन बॉस क्या करता है भाई, इतना पैसा कहाँ से अर्न करता है? अरे मेरा पापा दुनिया का सबसे बड़ा डाकू है भाई, हर बंदे से पैसा छीन लेते हैं। अबे कसम से पैसा छीन के इतना बड़ा कारोबार कर लिया, भाई छोड़ो यार फटाफट चलते हैं, भाई सामने से हटो यार। अबे ऑल राइट गाइस हम इसके घर पे आ चुके हैं, भाई इतना बड़ा घर, अरे यार ये तो जिंदगी में इतना बड़ा घर नहीं देखा, भाई रहता कौन है तेरे घर में? अरे अब मेरे पापा में। अबे तुम दोनों क्या सोच के इतने बड़े घर पे रहते हो? अबे यार छोड़ो यार कीको कहाँ पे, कीको मुझे सबसे पहले कीको ढूंढना पड़ेगा।
अरे तेरे बाप कौन सा है, सामने वाला ना? हाँ वही वाला जो सब व्हाइट कलर का टी शर्ट। अरे यहाँ पे मग्गन कौन है यार, आपको पता है मग्गन बॉस? अरे मग्गन बॉस अभी नहीं रहे, मग्गन बॉस तो कुछ टाइम पहले कहीं पे जा चुके एक बच्चे को लेके। अरे क्या बोल रहा है ये? अरे मुझे लगता है कीको को इसने मार डाला, मेरे पापा इसलिए यहाँ से चले गए। अरे कुछ करो लिटिल सिंह भैया, इन सब से साथ चुका लो, ये सब सच बताए, कुछ बताओ। अरे तुम सब सच उगा लोगे क्या? मैं तुमसे वो बहुत मारूंगा कसम से, तुम मेरे को नहीं पहचानते भाई। देखने में बहुत पतला हूँ लेकिन मुक्का बहुत जोर से मारता हूँ। अरे पागल चुपचाप यहाँ से निकल, बड़ा आया हमको धमकी देने। अरे दोस्तों लगते वक्त आ चुका है, इन सब ने मेरे को बहुत हल्के में ले लिया और बहुत सुन ले इन सबका बात। अभी इन सारे को इतना गंदा मारूंगा यार, इसने सोचा भी नहीं होगा भाई। इन सब सोच रहे हैं मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन इन सबको पता नहीं मेरा पूरा बॉडी लोहा का बना है और मैं हूँ एक लिटिल सिंघम पुलिस। जेले पिद्दे जेले जेले भाई चुपचाप, अभी भी वक्त है, बता दे तेरे पापा कहाँ पे छुपा के रखा है कीको को, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा। अरे यार कहाँ पे गया भाई कीको, ही तो जिंदा होगा। हालत खराब कर दिया रे मुन्ना, तू कहाँ के यहाँ पे आया था? अरे अभी भी वक्त है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कहाँ पे है कीको। अरे माफ कर देना, वो है एक खतरनाक जगह पे, वे एक व्हाइट कलर के कार में सारे बंदे ना वो जेल का कपड़ा पहन के बैठा है, उन सब के पीछे करो, तुम्हें कीको का पता लग जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ मुझे बचने दो, मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में। व्हाइट कलर का कार? अबे यार रुको रुको, मैं सारा बात ना बताता हूँ मेरे दोस्त लोग को। अरे यार लड़की फटाफट कार में बैठ जा। अरे रुको रुको रुको, मैं भी आता हूँ। अरे तुम्हें क्या पता चला? अरे मेरे को जितना पता है वो एक व्हाइट कार में है कीको, और उन सब के पीछे मैंने पुलिस को भेज दिया है। आयो पुलिस भी जा चुके उनके पीछे, अभी उन सबको ढूंढना पड़ेगा फटाफट। अरे कहाँ पे गया कहाँ पे गया, उन सब के पीछे पुलिस है इसलिए ढूंढने में आसानी होगा। अरे ये रहा पुलिस का कार, और सामने एक कार है। अभी यार ये तो ग्रे कार है, जो भी हो इसको पकड़ो भाई, इसको पकड़ेंगे तो पता लग जाएगा। लग जाए गाइस, वो जो बंदा है जिससे मैंने पूछा था वो गाइस गलत इंफॉर्मेशन बताया, ये कार का कलर तो ग्रे है। अभी इसको नहीं छोड़ने वाला, इसके ऊपर तो बहुत सारे गुंडे लोग बैठे हैं। अरे यार क्या करने वाले हो तुम? अरे इन सबको रोकना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरे गाइस ये तो गोली चलाते ही जा रहे हैं और कार से बिल्कुल भी नहीं उतर रहे, तेरी भैंस की नमन। अबे यार बीच में आ गया पिद्दी वाला पुलिस कार, अरे हटो ना यार मेरे सामने से, अभी उन सबको मारने दो मुझे। लगता है गाइस ऐसे बात नहीं बनेगा, मुझे ना कार से उतरना ही पड़ेगा, अभी वक्त आ चुका है, अभी इन सबको अपना औकात दिखाना ही पड़ेगा। चलो गाइस अभी ढाके ढेगा एक एक करके सबका, भाई बड़ा आया पुलिस टट्टी वाला। ये लो गाइस अभी इसको नहीं जाने दूंगा, तेरी भैंस की आंख तेरी, जेले जेले गाइस आप जेले। ऑल ट्राइड, मैंने लग गया सबको ठिकाने लग जाए, लेकिन ये जिंदा है। अरे भैया जेले भाई, अभी वक्त है पुलिस, बता दे कीको कहाँ पे। अरे नहीं बताने वाला, कीको पता नहीं कहाँ पे मर चुका है। ऐसी बात है जेले, अरे मर चुका है ना, अभी तुम भी जिंदा नहीं रहने वाले, तुमको भी मार डालूंगा। अरे बता दो भैया बता दो, मार मार के हेलीकॉप्टर बना दिया, वो सब अभी डगन बॉस के सबसे फेवरेट जगह पे, वो है तुम्हारा सिटी नंबर 99, वहाँ पे है डगन बॉस की हवेली, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे। चल निकल, चलो पता लग गया अभी तू भी जिंदा है यार, ये ले। चलो गाइस काम बन चुका है, सबको मैंने ठिकाने लगा दिया, अभी फटाफट मुझे पहुंचना पड़ेगा सिटी नंबर 69, वहां पे जाके ना मेरे को डगन बॉस की हवेली को ढूंढ के उसके साइड पे जाना पड़ेगा। अरे बंटर तुम सब सोचते तुम अपन को मार डालोगे, भाई बंटर तुमको पता नहीं मैंने प्यार किया है, कोई खराब काम तो नहीं किया है, और दूसरी बात लिटिल सिंह मेरा बड़े भैया है, वो बहुत शक्तिशाली है, और बंटर तुम्हारी पूरा चड्डी फाड़ देंगे, अभी वक्त है भागो यहाँ से। अरे हम किसी से नहीं डरते, हम है डगन बॉस के आर्मी, मग्गन बॉस। मग्गन बॉस और डगन बॉस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है, उससे ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई भी नहीं यार, तुम तो चट्टी फाड़ बंदे हो, तुम तो नहीं मरने, अभी तुम मरने वाले हो पिद्दी, तुमने बहुत गलत बंदे से प्यार कर लिया। अरे पंटर मैंने जिससे प्यार किया वो लड़की है। हाँ गलत लड़की से तुमने प्यार कर लिया। अरे पंटर तू अब तुमको मारेगा क्या? अभी मैं तुमको बुरा खत्म कर दूंगा, मारूंगा नहीं। या अरे दोस्तों मैं हवेली पे आया हूँ, और ये मेरे को इतना लगता है ये मग्गन बॉस का हवेली हो सकता है। चलो दोस्तों इसके ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर से गाइस नजर आ सकता है कीको कहाँ पे हो सकता है। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ये काम तो चल रहा है यार, कब कम्प्लीट होगा क्या पता, उसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खुलेगा। चलो दोस्तों सामने चलते हैं। अरे कहाँ पे गया कीको?
अरे कीको कीको, ये रहा कीको। पंटर अपन का भाई, अपन का हीरो लिटिल सिंगम है जीरो। तू कौन है मुन्ना, यहाँ से भाग। अरे मेरे को भाई, और एक आ गया किसी बेटे लड़का। ओए भाग यहाँ से। हाँ बेटा जरूर भागूंगा, अभी तुम यहाँ से भागने वाले हो कैसे, देखो मैं भागूंगा तुम उड़ोगे। चले। अरे ये तो हेलीकॉप्टर है भैया, ये लो तेरी भैंस की आँख। भाई तुम सब क्या सोच के यहाँ पे रहते हो क्या पता। ये लो ये लो ये लो भाई, ये सब मगर बॉस के हाथ में इतने ज्यादा कमजोर। अरे कीको भाई कहाँ पे चला गया यार। ओए पंडर, ओए पंडर। अरे पंडर आई लव यू यार। पंडर पंडर आपने बता दिया बड़े भैया, अरे थैंक यू सो मच भाई। और भी आशी के घर भाई, तुझे दुनिया में इतनी लड़की मिली भाई, तूने प्यार किया सिर्फ मगर बॉस के माफिया से लड़की से। पंडर यार मुझसे शादी करना चाहता हूँ। भाई तेरा शादी होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल के लिए तो बच चुका है। अरे मगन बॉस भाई ऐसा बंदा नहीं है भाई, भूल जाओ लड़की को। सो दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने कीको को बचा लिया मगन बॉस से, और कीको अभी सही सलामत है। सो दोस्तों ये वीडियो पे खत्म करते हैं, आपको बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।